क्योंकि वो समझती है कि मैं अभी भी अरिश्मा से मोहब्बत करता हूँ। क्या? हाँ, उसे लगता है कि हमारा अभी भी रिश्ता है, हम चुप चुप के बातें करते हैं, मिलते हैं। ऐसा सोचती है वो? जी, आपकी बहू ऐसा ही सोच, इतनी गलत फहमियां पाल ली है उसने अपने दिल में मेरे बारे में। तुम उसकी गलत फहमियां दूर करो ना बेटा, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। यकीनन तुम्हारी मोहब्बत में कमी होगी, तभी उसे ये गलत फहमी हुई है। मॉम, वो बहुत शक्की मिजाज है, हर बार शक करती रहती है। हर बीवी शक्की मिजाज होती है हमदान, ये शौहर का काम होता है कि उसका शक दूर करे। हमदान, तुम गए थे आज माया से मिलने? जी। क्या बात हुई थी? बोलो। वो घर वापस आना चाहती। क्या वाकई? सच में? हाँ, लेकिन मुनज़्ज़ा आंटी और हारिब नहीं मानेंगे। उनका क्या है, जब माया मान गई तो? नहीं आंटी, उसे यहाँ पे आने नहीं देंगे। तो फिर अब तुमने क्या सोचा है? मैं बात करता हूँ हारिब से, मुनज़्ज़ा आंटी से, उनको राजी करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ये ठीक है, बस बेटे जरा जल्दी बात कर लेना। जी। हारिब। जी अम्मी। आ जाओ बेटा, खाना लगा दिया, खाना खा लो। माया कहाँ है? अपने कमरे में। तो उसको ही बुला ले। बुलाया है, नहीं आ रही। सब खैरियत तो है? खैरियत कहाँ रह गई इस घर में, बहू घर पर नहीं है, ब्याही बेटी घर पर बैठी है, खैरियत कहाँ है? इस सब में मैं क्या कर सकता हूँ? कर तो मैं भी कुछ नहीं सकती बेटा। आज कोई बात हुई या घर में? माया आज हमदान से मिलने गई थी।